चैप्टर नंबर फोर की पॉइंट नंबर सिक्स आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या तो नॉन पोलर होता है या तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा है, फिर इधर फिर उसको रिपीट कर रहा है कि इन केस ऑफ द सिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वेयर द एटम्स आर आइडेंटिकल, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अट्रैक्टेड ड्यू टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रो निगेटिविटीज, नाइदर एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन द अदर, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देयरफॉर इन मॉलिक्यूल को कहेंगे दे आर द नॉन पोलर, और हम इनको कहते हैं कि ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस दूसरा एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एटम है, तो ये जब एक दूसरे को करीब आएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। वो शेयरिंग कैसे दिखाते हैं, इसी तरीके से हम इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये जो अट्रैक्शन है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों एटम्स का इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दरमियान में इक्वल वक्त पास करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो ऑक्सीजन के पास अब कितने होते हैं, दो अनपेयर्ड होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास अब कितने होते हैं, दो अनपेयर्ड होते हैं। अब ये आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में भी वो ही रहता है, और ये इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में भी वही रहता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी के पास भी ज़्यादा नहीं जाएगा, दोनों के दरमियान में होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्टेड ड्यू टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो हमारे टेबल में दी हुई है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल वक्त पास करता है, पहुँचा है ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हम क्या दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इक्वली अट्रैक्टेड होता है इसके सराउंडिंग में भी, इसके सराउंडिंग में भी। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड पर किसी पर न कोई पॉजिटिव आती है न कोई निगेटिव आती है, और इनको हम कहते हैं कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये कहलाते हैं नॉन पोलर। इनकी पोलरिटी क्या होती है, ज़ीरो ही पोलरिटी होती है। लेकिन अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम के दरमियान में बनता है, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एटम्स सच एज वाटर है, एच एफ ए, ए सी एल ए, एच बी आर, ई टी सी, प्रेजेंट अ डिफरेंट सिचुएशन, वहाँ पर शेयरिंग तो होगी। और हमने पहले बताया है कि डिसिमिलर एटम के दरमियान में अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ, लेस इलेक्ट्रो निगेटिव से हाई इलेक्ट्रो निगेटिव की तरफ, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी, तो यकीनन शेयरिंग ही होगी, और वो डिसिमिलर एटम जिनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव 1.7 से कम है, तो अब वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होता है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट इज़ मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मिसाल के तौर पर सिंपल मिसाल है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, और इसी तरीके से ये फ्लोरीन है, इसके पास आखिरी शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 3 तो जो पेयर होते हैं वो
मिसाल ये पेयर हैं, लोन पेयर जिन्हें हम कहते हैं या नॉन बॉन्ड पेयर कहते हैं, और बाकी एक अनपेयर्ड है, तो अब ये इसके साथ करता है शेयर। अब शेयरिंग जो हो जाएगी उसके बाद ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे ये इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट इसको कौन करेगा, फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो ज़्यादा जो किसकी तरफ वक्त पास करेगा, फ्लोरीन की तरफ ही ज़्यादा वक्त पास करता है, इधर कम वक्त पास करता है। तो नतीजे में इसके ऊपर क्या जाएगी, पार्शल निगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जिसको हम डेल्टा के सूरत में दिखाते हैं। तो इन वाटर ऑक्सीजन अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मालिक्यूल इज शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन, सो दैट दिस एंड ऑफ द मालिक्यूल इज अ ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज देन द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इन एच एफ मालिक्यूल फ्लोरिन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो दिस एंड हैज अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि नतीजतन इन बोथ दीज मालिक्यूल वाटर एंड एच एफ द हाइड्रोजन एंड इज करेस्पॉन्डिंगली मोर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ज़्यादा पार्शल पॉजिटिव जैसे हम इधर दिखाते हैं, और इसी तरीके से वाटर में ये पार्शल निगेटिव पार्शल ये डेल्टा ही से हम इनको दिखाते हैं। द सिचुएशन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द सिंबल, ये सिंबल है जिनको हम बोलते हैं डेल्टा माना चेंज, रिप्रेजेंट द पार्शल, पार्शल माना थोड़ा सा, पार्टली जुजवी, स्लाइटली पार्शल पॉजिटिव, स्लाइटली पार्शल निगेटिव। और इस किस्म के बाड को हम कहते हैं कि ये पोलर कोवलन बाड होता है, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है पोलरिटी, और इस कोवलन बाड को हम कहेंगे कि पजेज सम कैरेक्टर्स ऑफ दी आयोनिक बाड। तो ये आयोनिक बाड उनके पास आ जाते हैं, और जो चार्जेस होती है पॉजिटिव और निगेटिव उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल मालिक्यूल बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड इन वाटर एंड एच एफ आर देयरफॉर पोलर बॉन्ड, दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट प्योर कोवलेंट बॉन्ड बट दे हैव पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, पार्शियल मीन्स जुजवी, पार्टली स्लाइटली आयोनिक कैरेक्टर। जाहिर है ये आयोनिक कैरेक्टर विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिविटी, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रो निगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक कैरेक्टर किसमें कितने हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिविटी से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इधर टेबल बनी हुई है जिसके तहत हम ये आयोनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो एटम है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिविटी कितना है, मिसाल की वैल्यूज लिखे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, 0.5 कैरेक्टर होंगे। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ज़ीरो होगा तो वो बिल्कुल प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और उसमें आयोनिक बॉन्ड के जो परसेंटेज कैरेक्टर होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो 0.1 पर 0.5 परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, 0.2 का डिफरेंस आएगा तो उसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 1% होगा, 0.3 का फ़र्क है तो 2% आयोनिक कैरेक्टर है, 0.4 का डिफरेंस है तो 4 तो उसकी जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, 0.5 है तो 6 है, और 0.6 का फ़र्क है तो 9% आयोनिक कैरेक्टर है, 0.7 का फ़र्क है तो 12, और पॉइंट और अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कितना है 0.8 तो उसमें 15% आयोनिक कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास 0.9, 1, 1.1 ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव 3.2 पर है। जैसे हम कहते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना हो 1.7% तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितने आ जाएंगे, 51% उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर का वैल्यू भी ये बढ़ रहा है। तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये जाहिर है उससे बढ़ जाएंगे तो तकरीबन वो आयोनिक कंपाउंड ही बन जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड, एक आयनिक एक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कितने कैरेक्टर हैं, कितने परसेंटेज, वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि टाइप ऑफ द कोवलेंट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड दो हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमें पता है कि वो ट्रांसफर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में होता है। और वहाँ पर हमने कहा था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है। तो न 100% आयनिक बॉन्ड आयनिक होता है, न कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर पढ़े थे, जो हमने एक रूल बनाया था जिसे हमने कहा था फिट्ज़जॉन्स रूल्स, तो उसके तहत हमने बताया था कि आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड बनने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर कैसे होते हैं। एक तो टॉपिक हमने ये देख ली कि ये आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वजह से होता है। सिमिलर एटम में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नहीं होता है तो वो बिल्कुल प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, लेकिन डिसिमिलर एटम में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगा तो उसमें कुछ आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव वैल्यू से मैंने आपको ये टेबल में दिखाया, इसी के तहत हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देकर भी बता सकते हैं कि इसमें कितने आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर हैं। और बाकी जो प्रॉब्लम के हिसाब से वो ऐसे निकालते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ये है डायपोल मोमेंट ऑब्जर्वड यानी कि एक्सपेरिमेंटल, और ये डायपोल मोमेंट थ्योरेटिकल इंटू 100। तो ऑब्जर्वड या एक्सपेरिमेंटल जो डायपोल मोमेंट होता है उसको हम थ्योरेटिकली डायपोल मोमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो मतलब ये हुआ कि एक कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कितने कैरेक्टर हैं वो हम डायपोल मोमेंट वैल्यू से मेयर करते हैं। जैसे हमने डायपोल मोमेंट के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डायपोल मोमेंट मेयर्स दी आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड के, एक आयनिक बॉन्ड में एक कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कितने कैरेक्टर हैं तो वो हमने जो डायपोल मोमेंट से मेयर किया था। अब उसको सीखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो एक मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे बुक में ये पंजाब के टेक्स्ट बुक में या फीडल टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है कि द ऑब्जर्वड डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्वड का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑब्जर्व के लिए OBS लिखेंगे या एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, ये आपको बताएगा। द ऑब्जर्वड डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज 1.90 dB, dB यूनिट है, कॉमन यूनिट है। फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 0.917 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब ये डेटा हमने निकाली, ये डायपोल मोमेंट ऑब्जर्वड कितनी उसने बताई है 1.90, ये हमेशा आपको देगा, और चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.917 × 10⁻¹⁰, ये भी गिवन है, ठीक। और थ्योरेटिकली डायपोल मोमेंट जब हम मालूम करते हैं तो कैसा q × d, मैंने आपको तीन फार्मूला बताई थी कि कैसे दिखाते हैं e × d, q × d या q × r, delta × d में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हम दिखाते हैं अभी हमने आप देखा कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा पॉजिटिव यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है वो कितना है वो डेल्टा से हम दिखाते हैं। तो ये भी फार्मूला होती है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे हम निकालेंगे। तो एक तो फार्मूला आपने ये देखी कि ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इंटू
हंड्रेड से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या हम वो जो चार्जेस है, अगर जो डेल्टा है वो डेल्टा अगर हमें गिवन है तो डायपोल मोमेंट हम उससे निकाल सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट निकालने का अब तरीका क्या है अब हम वो सीखेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमने देखकर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इनके यूनिट चेंज करेंगे कोलोमेंट मीटर में। ये हमारे पास जो यूनिट है वो डी बा है, और हमें याद है कि वन डी बा कितने कोलोमेंट मीटर के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो 1.602 × 10⁻¹⁹ कोलोम्ब होती है, और डिस्टेंस जो इधर हमें उसने दे रखा है वो कितना डिस्टेंस है, वो है 0.17 × 10⁻¹⁰ के बराबर है। तो क्यों जो चार्ज है, ये थ्योरेटिकली बात करें, क्योंकि जब हम किसी भी दो एटम के दरमियान, मिसाल के तौर पर अगर ये हम कहें कि ये एच है और ये क्लोरीन है, ये पार्शियल चार्ज हमने क्या रखी थी, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। तो अगर इनको सपोज करें सेपरेट कर दें तो ये मुकम्मल पॉजिटिव हो जाएगी और ये मुकम्मल निगेटिव। तो थ्योरेटिकली इस निगेटिव की चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम कितनी मानेंगे, 1.602 × 10⁻¹⁹ कोलोम्ब। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज एक ही होती है, सिर्फ क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो थ्योरेटिकली ये समझ लें कि ये जो एच एफ है ये अलग हो गया, एच पॉजिटिव और ये फ्लोराइड निगेटिव, तो उसके ऊपर ये चार्ज, ये थ्योरेटिकली इतनी आती है। और इन एच और पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका ऑर्डर कितना है, वो ऑर्डर उसने ये दे रखा है, यानी कि लेंथ उसने दे रखी है। तो ये थ्योरेटिकली वैल्यू मिलेगा, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1.469 × 10⁻²⁹ कोलोमेंट मीटर। अब वन डी, अब इसको कन्वर्ट करेंगे डी बाय में। वन डी बाय किसके बराबर है, 3.336 × 10⁻³० कोलोम। तो हमें जो उसने वैल्यू दे रखा है 1.90 डी, तो अब हम इन कोलोम को डी बाय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 1.469 × 10⁻²⁹ डिवाइडेड बाय 3.336 × 10⁻³० क्योंकि 1 डी बाय में इतने ही कोलोमेंट मीटर होते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 4.4, ये जवाब आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास है कि आयनिक कैरेक्टर, ये डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड और ये डायपोल मोमेंट थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट की इंटू 100। तो ऑब्जर्व जो उसने बता रखी है वो 1.90 × 100 और थ्योरेटिकली हमने कितनी बनाई, 4.4, ये भी डी कैंसिल। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 43.2% उसमें आयोनिक कैरेक्टर है। तो कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर कितने होंगे, 100 में से 43 माइनस कर दो तो जवाब कितना, 57% कोवलेंट होगा और 43% एच एफ जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर वो रखता है। तो इसी तरीके से ये हम आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टर बताते हैं। अगर ये 50-50 आता तो हम कहते कि 50% आयोनिक है, 50% कोवलेंट है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, इसलिए हम एच एफ के लिए कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। हालांकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो उसको आयनिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड है और उसमें आयनिक बॉन्ड के भी कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क पड़ता है, उस कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क आता है। द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ग्रेटली अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर हायर एंड दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। एक तो उनका जो कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंस
इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से तो पोल बनते हैं, तो उनके दरमियान में भी पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव के दरमियान में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल में बढ़ेंगे तो यकीन उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और वो पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होता है। तो मोस्टली ये जो आयनिक बांड जिन कोलन कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वैसे हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं और कोलन कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो कोलन मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक बांड वाले कैरेक्टर हैं जैसे HFA, HCl, HBr है, तो वो पोलरिटी उनकी पोलरिटी यहाँ वो वाटर में पोलर हो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि वाटर भी पोलर वो भी पोलर होते हैं। नंबर टू प्रॉपर्टी, द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैरेक्टर शॉर्ट इन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंक्रीजेज द बॉन्ड एनर्जी। मिसाल के तौर पर HF का जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है, या रेडियस हम कैसे निकालते हैं कि दो सिमिलर एटम के दरमियान में बॉन्ड डिस्टेंस मालूम करके उसको हाफ करते हैं, और अगर डिसिमिलर होते हैं तो उनमें से उनका बॉन्ड लेंथ मालूम करके जिसका मालूम होता है उसको माइनस करते हैं, तो हमें दूसरे एटम का रेडियस मिल जाता है। तो एक्सपेक्टेड HF बॉन्ड इज़ 1.01 एंगस्ट्रॉम, वेयर इज़ द एक्चुअल वैल्यू कितना है 0.92 एंगस्ट्रॉम। तो ये कम क्यों हो गया, क्योंकि इनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव ये पार्शल निगेटिव, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, तो HF एक दूसरे को करीब आ जाते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ उनका डिक्रीज हो जाता है। और जैसे वो एक दूसरे को ज़्यादा करीब आएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H मॉलिक्यूल इज़ 565 किलो जूल पर मोल, और विच इज़ मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू 268। माना ये जो हम कैलकुलेट करते हैं जो थ्योरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली से ये वैल्यू 268 टाइम्स मरतबा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो जो पोलर कोलन बांड है, यानी कि जिसके जिस कोलन बांड में आयनिक बांड के कैरेक्टर हैं, उसकी बांड एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि बांड लेंथ कम होगी तो बांड एनर्जी भी बढ़ जाती है। बांड एनर्जी हमारी अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब ये कुछ MCQ है इन्हीं टॉपिक पर, ख़ासतौर पर डायपोल मूवमेंट और आयनिक कैरेक्टर के ऊपर। नंबर वन क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन देयर आयनिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने पहले टॉपिक आपको बताई कि आयनिक कैरेक्टर का हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फ़र्क के हिसाब से पता चलता है, तो जवाब होएगा बी। क्वेश्चन नंबर टू है, अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ अ डायपोल मूवमेंट ऑफ 1.2 डी बार इफ़ इट्स बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.0 एंगस्ट्रॉम, वाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। अब यहाँ पर डायपोल मूवमेंट भी उसने बता दिए, बॉन्ड लेंथ भी बता दिया है, अब वो जो ई या क्यू जो है वो हमसे पूछ रहा है कि वो चार्ज कितनी होगी या क्यू कितना होगा, वो हमसे पूछ रहा है कि चार्ज ई एग्जिस्ट, वाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 12% ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 18%, 25%, 30% कितना आता है, ये हमें हमसे पूछ रहा है, तो इसका जवाब है सी। अब ये कैसे आया, ये आयनिक जो परसेंटेज हमने मालूम की थी उसी के बेसिस पर है, तो ये मैंने प्रॉब्लम करके दिखाया इधर। तो पहले तो आप यूनिट को कन्वर्ट करें, मिसाल ये डी बाय, इनको कोलोमेंट मीटर में कन्वर्ट करें, और ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है इनको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डी बाय कितना है, 1.2, 1.2 मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि 1 डी बाय किसके बराबर होता है याद कर रहे यूनिट, 3.335 इंटू 10-13, तो ये हो गया जो डायपोल मूवमेंट है वो कोलोम इन मीटर के बराबर हो गया। और हमें डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, इधर एंगस्ट्रॉम की निशानी आएगी, ये डिग्री निशानी देते हैं, 10-10 मीटर के बराबर होता है। तो डायपोल मोमेंट हमें पता है कि किसके बराबर हमने बताई थी, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई इंट डी के बराबर होता है। तो
ई अगर निकालनी होगी तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट म्यू अपान डी। तो म्यू डायपोल मोमेंट हमें मिली हुई है कितनी, 4×10⁻¹३, और डिस्टेंस हमें मालूम है, डिस्टेंस ये हो गया, तो ई का वैल्यू आ गया 4×10⁻²¹. तो ये डेल्टा है जो इस मालिक्यूल पर जो है वो डेल्टा के हवाले से आती है, मिसाल के HF या HF, तो ये डेल्टा, तो ये डेल्टा वाला जो वैल्यू ये आया है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, जो प्योर इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल अकेला इलेक्ट्रॉन उसकी चार्ज होती है 1.602×10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय दैट वन, और ये मिसाल के तौर पर ये था ऑब्जर्व और ये था थ्योरेटिकली, और इनटू करेंगे 100 तो जवाब आएगा 25%। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो कितना परसेंट आ गया, 25%। इसी तरीके से हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेटर द डायपोल मूमेंट, ग्रेटर इज द आयनिक नेचर, लेसर इज द पोलरिटी, स्मॉलर इज द आयनिक नेचर, नन ऑफ दिस। ग्रेटर द डायपोल मूमेंट, ग्रेटर इज द आयनिक नेचर। ए फोर्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज जीरो डायपोल मूमेंट, अमोनिया, क्लोरोफॉर्म, वाटर, BF3। ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो असिमेट्रिकल हैं, ये तो सारे पोलर, चारों के मॉलिक्यूल पोलर हैं, लेकिन BF3 की जो हमने बताई कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप क्या है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे है कि इनके साथ जो ये फ्लोरीन है वो तीनों फ्लोरीन 120 एंगल पर ये अटैच होते हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, पार्शल निगेटिव, ये सेम है और ये पॉजिटिव, एंगल बराबर है। तो ये एंगल जब हम कहते हैं कि ये 120 120, तो ये 120 का जो बराबर होगा वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, तो ये इसी तरीके से ये अपोजिट हो गए, तो कहेंगे इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो हमने पढ़ा था, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड की डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका जवाब आया डी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी हाइड्रोजन हैलाइड इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अब ये हाईएस्ट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर बता सकते हैं, और हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4.0, क्लोरीन 3.5, ब्रोमीन 2.8, ये 2.1, तो ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, HF का है, तो HF जो कंपाउंड है हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर पे ज़्यादा होंगे। तो जवाब आ गया, इसका जवाब होगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे, सी में, ये गलत है जवाब, इसका जवाब होगा सी जवाब आएगा। तो ये थे कुछ MCQ जो हमने पढ़े, और बाप MCQ इनकी प्रैक्टिस करके याद।